तो और मेरे भाइयों, क्या हाल है। तो यहाँ पे पेबैक 2 का अपडेट आ चुका है बहुत टाइम बाद। यहाँ आप देख सकते हो दो नए कैंपेन मोड आए हैं, एक है बैंडिट और दूसरा है विजिलेंटे, पता नहीं उसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं। और साथ ही यहाँ पे दो नई सिटी ऐड की गई है, क्योंकि गेम कंप्लीट हो चुका था तो ज़्यादा कुछ करने को है नहीं। तो यहाँ आप देख सकते हो डेजर्ट आउटपोस्ट और इस्ला नुबलर, ये दो सिटी ऐड हुई है। तो यहाँ पे मेरे पास बहुत ज़्यादा कोई नहीं है, इसलिए मैं आपको डेजर्ट आउटपोस्ट दिखाने वाला हूँ हेलीकॉप्टर व्यू से। तो ये देखो, ये है बढ़िया नई सिटी। और यहाँ पे यार एक बात मैंने नोटिस की है कि पेबैक के जितने भी मैप्स है, वहाँ के मैप से इनके घर बहुत ही अलग है और थोड़े अलग स्टाइल में जो है बनाए गए हैं। तो यहाँ पे सिटी तो काफ़ी बढ़िया लगी मेरे को, और इसे आप ज़रूर एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि बनाई हुई भी बहुत ही सही है यार। और अच्छी बात यह है कि गेम में कुछ तो नया आया, एटलीस्ट हम इस सिटी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा ये बड़ी नहीं है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि एक नई सिटी है। और यहाँ पे जो मल्टीप्लेयर खेलने का मज़ा आने वाला है वो भाई बहुत ही तगड़ा होने वाला है। और फिलहाल आप व्यू देखो यार, हालांकि मेरा व्यू थोड़ा गड़बड़ा रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे अपने कैमरा एंगल को चेंज करता हूँ और TPP मोड में शिफ्ट करके दिखाता हूँ भाई तगड़ा व्यू इस सिटी का। तो यहाँ पे हमने अपनी सेटिंग्स खोल ली है, और यहाँ पे जो फर्स्ट पर्सन है हम इसे थर्ड पर्सन कर देते हैं, क्योंकि भाई यार जो मज़ा थर्ड पर्सन में है ना, वो यार फर्स्ट पर्सन में नहीं है। अगर आप एग्री करते हो तो बताना कमेंट में। और ये देख सकते हो क्या ही मस्त व्यू लग रहा है यहाँ पे सिटी का। छोटी सिटी है लेकिन काफ़ी सही बना रखी है। और यहाँ पे जो कैप्चर द स्वैग मल्टीप्लेयर वो देना, वो तो भाई कत ही बवाल होने वाला है। तो यार ये सिटी तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। फिलहाल इस्ला नुबलर के लिए मेरे पास इतने कॉइन्स थे नहीं, कलेक्ट करके मैं उस पर भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ हिडन व्हीकल्स, यहाँ एक बोट पड़ी है। अगर हम थोड़ा और इस तरफ जाते हैं तो वहाँ आप देख सकते हो यहाँ पे एक सीक्रेट टैंक पड़ा है, और ये देखो भाई साहब। तो यहाँ हिडन व्हीकल्स भी बहुत ही आसान है ढूंढने के लिए, कुछ ज़्यादा आपको इधर उधर जाना पड़ेगा नहीं, क्योंकि सिटी छोटी है और व्हीकल्स भी हमको आसानी से मिल जाते हैं। और फिलहाल यहाँ पे मैं हो चुका था ड्रोन। तो ये आप देख सकते हो लोकेशन, आप याद कर लेना, यहाँ पे आपको टैंक मिलने वाला है। और अगर आप मल्टीप्लेयर में टैंक के पास पहुँच गए ना भाई, कतई तबाही मचा दोगे भाई, फिर भाई आपसे यहाँ पे मल्टीप्लेयर कोई जीतने का सोच भी नहीं सकता। तो फिलहाल ये सिटी तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, तो इसलिए अभी हम इसको करते हैं एग्जिट और बात करते हैं कैंपेन मोड की, क्योंकि कैंपेन में भाई साहब दो नए एपिसोड ऐड कर दिए गए हैं। तो भाई साहब न्यू चैलेंज तो वहाँ पे भी आ चुका है, तो देखते हैं भाई साहब कितना टफ है वो चैलेंज या फिर बहुत ही इजी कर दिया है सारे मिशन। क्योंकि भाई कैंपेन मोड भी आपको पता होगा एपिलॉग आ गया था, लेकिन इन दो एपिसोड के बाद नया एपिलॉग आएगा। तो सबसे पहला हम कैंपेन मोड का स्प्रिंट रेस करते हैं, और ये देखो भाई साहब यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है पहला मिशन स्प्रिंट रेस। तो इसको हमें जीतना है, और ये गाड़ी सारी एक ही तरफ जा रही है, और भाई साहब कतई यहाँ पे तो भसड़ मच चुकी है, लेकिन हम यहाँ साइड में से जाने वाले हैं। देखते हैं भाई ये AI स्मार्ट कार कितना कुछ कर सकती है। फिलहाल यहाँ पे कोई रियल बंदे तो है नहीं, तो गेम तो मेरे को काफ़ी इजी लग रहा है, ये सारे मिशन बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। और ये आप देख सकते हो काफ़ी इजीली मैं यहाँ पे फर्स्ट आ चुका हूँ। और फिलहाल अगर आपको ये अपडेट पसंद आया तो मुझे कमेंट में बताएं, और अगर आप बैंडिट पे पूरा वॉक थ्रू चाहते हो तो भी आप बता सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।